तो दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं अगर आपका पैन कार्ड पहले बना था, पैन कार्ड खो गया है, तो आपके पास पैन कार्ड की नंबर भी नहीं है, तो किस तरह आप पैन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे बिल्कुल फ्री में, वो भी तुरंत। तो पूरी चीज़ हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आप वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, आपको YouTube पे सर्च कर लेना है जीशान मॉनिटर, और ये लोगो देख सकते हैं, ये आपका चैनल का लोगो है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको आपकी हर काम की वीडियो मिलती रहेगी, जैसे कि स्कॉलरशिप, बैंकिंग और लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, लेटेस्ट गवर्नमेंट योजना, सभी प्रकार की सुविधा और सभी प्रकार की वीडियो आपके लिए, लोन रिलेटेड भी वीडियो आपके लिए, आपके हर तरह के आपकी हेल्प के लिए वीडियो इस चैनल पे मिलता रहता है बराबर। और आप चैनल की वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपकी काम की बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दी है आपके लिए, लेकिन आपने अभी तक देखा नहीं, तो वीडियो लिस्ट में जाकर आप वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस वीडियो को स्पॉन्सर सिर्फ क्या है, इजी फोर पे। ये अब एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि अपनी बैंक को, अपनी दुकान को बैंक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी विस्तार से बताया था कि इजी फोर पे का रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर कैसे आप बन सकते हैं, उसमें क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलने वाली है, पूरी चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में विस्तार से बताया है। इस वीडियो को प्रोसीड क्या था, इजी फोर पे, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो का लिंक। तो चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, इंडिया में दो कंपनी पैन कार्ड बनाती है, एक UTI पैन कार्ड बनाती है और एक NSDL पैन कार्ड बनाती है। तो सबसे पहले आपको तो ये याद रखना है कि आपका पैन कार्ड कौन सी कंपनी के द्वारा बना है, UTI के द्वारा या NSDL के द्वारा, ठीक है। तो अगर आपको ये भी पता नहीं है तो आपको पता चल जाएगा, आप अभी मैं बताऊंगा किस तरह पता कर पाएंगे आपका पैन कार्ड किस तरह बना है। तो आप पता कर भी सकते हैं आपका पैन कार्ड कौन सी कंपनी से बना हुआ है। NSDL से बना होगा तो आपको नॉर्मल से एक सुविधा है कि आप डाउनलोड कर पाएंगे, UTI से भी बना है तो फिर भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन उसका प्रक्रिया आपको दो स्टेप ज़्यादा करने होंगे। आपका पैन कार्ड अगर खो गया, आपके पास पैन नंबर भी नहीं, आपके पास पैन कार्ड की फोटो स्टेट भी, फोटो कॉपी भी नहीं है, ठीक है, आपके पास सिर्फ पैन नंबर नहीं है, पैन कार्ड की रसीद है, रिसीविंग है, वो है आपके पास, तो आप डाउनलोड कर पाएंगे। आपके पास पैन कार्ड नंबर नहीं भी है तब भी आप पैन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, सिर्फ आपके पास आपको आपका नाम तो होगा ही, आपका डेट ऑफ बर्थ तो होगा ही, और आपने पैन कार्ड बनाया था तो उसका रिसीविंग आपको जरूर होगा। अगर वो रिसीविंग आपको नहीं है तो आप अपने मेल पे चेक कर लीजिए, जो मेल आपने बनाते वक्त दिया था उस पर भी रसीद आपको मिला होगा रिसीव, ठीक है। और जब पैन कार्ड आपने बनाया होगा तो आपको ई पैन कार्ड आपके मेल पे भी भेज दिया जाता है, ठीक है। अगर आपके मेल पे भी वो पैन कार्ड डिलीट हो गया है, या आपके पैन कार्ड जो आया था मेल पे वो भी डिलीट हो गया है, और आपका जो फिजिकल पैन कार्ड था वो भी खो गया है, तो इस स्थिति में आप बिल्कुल फ्री में तुरंत पैन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको दोनों वीडियो के बारे में पूरी विस्तार से बताऊंगा, और सबसे पहले मैं आपको UTI के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे UTI थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो मैं पहले NSDL का ही बता देता हूँ। तो मैं आपको UTI का भी लिंक दे दूंगा और NSDL का, दोनों वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे अपना पैन कार्ड को। ये UTI NSDL का वेबसाइट है और ये UTI का, दोनों की लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जो आप पैन कार्ड बनाए होंगे तो आपको रसीद मिला होगा, कहीं से भी बनाए होंगे, किसी भी दुकान से बनाए होंगे या खुद से बनाए होंगे या ऑनलाइन बनाए होंगे, कहीं से अगर आप NSDL से बनाए होंगे तो आपको रसीद जरूर मिला होगा। उस रसीद पे आपको नंबर मिला होगा, ठीक है, इनरोलमेंट नंबर जिसे कहते हैं, इनरोलमेंट नंबर, वो नंबर आपको मिलेगा। वो नंबर 88 से भी शुरू हो सकता है, 300 से भी शुरू होता है, किसी भी सब अक्षर से शुरू हो सकता है। तो वो रिसीविंग नंबर आपको यहाँ पे दे देना होगा। रिसीविंग नंबर देने के बाद आपको जो कैप्चर कोड यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, ये कैप्चर कोड आपको जो दिखने को मिला, इस कैप्चर कोड को इस बॉक्स में एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन है, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना होगा। मैं रसीद नंबर और कैप्चर एंट्री करने के बाद यहाँ पे कह रहा है आपके पैन कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और कौन सा ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है,
तो मोबाइल नंबर के चार लास्ट के चार अक्षर दिखा देते हैं और ईमेल आईडी के भी शुरू के दो अक्षर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आप किसी एक पे ओटीपी मंगवा के या दोनों पे ओटीपी मंगवा के वेरीफाई कर सकते हैं। तो ईमेल पे ओटीपी मंगवाना है तो ईमेल को सिलेक्ट करेंगे, अगर मोबाइल पे मंगवाना है तो मोबाइल को सिलेक्ट करेंगे, अगर दोनों पर मंगवाना है तो बोथ को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं अभी ईमेल आईडी पे मंगवाना चाहता हूँ ओटीपी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओटीपी के लिए कन्फर्म करेंगे तो यहाँ पर आई एग्री क्लिक कन्फर्म करेंगे, आई एग्री के मतलब टिक मार्का लगा देंगे इस बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पे जेनरेट ओटीपी भी क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे जेनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे यहाँ पे ओटीपी मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारी ईमेल पे एनएचडीएल की ओर से एक ओटीपी आ चुका है। इस ओटीपी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ये ओटीपी हमें मिल चुका है एनएचडीएल की ओर से, तो इसे मैं कॉपी कर लिया और इसमें यहाँ पेस्ट कर देंगे ओटीपी को। उसके बाद यहाँ वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, वैलिडेट पे देखिए मैंने क्लिक कर दिया हूँ और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल चुका है, डाउनलोड ई पेन पीडीएफ, डाउनलोड ई पेन एक्सएमएल। तो आप पीडीएफ में ही डाउनलोड कीजिए अच्छा रहेगा। डाउनलोड ई पेन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं हमारा जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड डाउनलोड हो रहा है। तो उसके बाद ये पैन कार्ड डाउनलोड हो चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा ई पैन कार्ड है, मैंने एनएचडीएल के द्वारा इसका पैन कार्ड बनाया था। तो ये पैन कार्ड यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ जो है वह डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम इंटर करेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ बनाते वक्त दिए थे वो डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, सबमिट करेंगे तो ये हमारा पैन कार्ड डाउनलोड हो चुका है। ये पैन कार्ड की जो मेरी जानकारी थी उसको मैंने हाइड कर दिया है। ये पैन कार्ड हमें मिल चुका है, इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। इस पैन कार्ड को डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं, हम कार्ड में प्रिंट कर सकते हैं, वो वैलिड पैन कार्ड रहेगा, उसमें कोई फॉर्जरी का काम नहीं है, ओरिजिनल पैन कार्ड है। इसे आप कार्ड में भी प्रिंट करके, अगर आपके पास पीवीसी कार्ड प्रिंटर मशीन है तो आप कार्ड में प्रिंट करके इसको यूज कर सकते हैं। ये 100% लीगल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस ये आपका पैन कार्ड आप डाउनलोड कर चुके हैं एनएचडीएल से बनाए हैं तो। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं यूटीआई से अगर पैन कार्ड आप बनाए हैं तो किस तरह आप कर पाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको हर एक कंपनी के बारे में हर एक वीडियो दूं। मैं चाहता हूं एक ही वीडियो में आपको दोनों वीडियो के बारे में जानकारी दे दूं। NHDL से तो आपने डाउनलोड करना सीख लिया और मैंने आपको डाउनलोड करके भी दिखा दिया एक प्रूफ के साथ। अगर आपका पैन कार्ड UTI से बना हुआ है तब आप डाउनलोड किस तरह कर पाएंगे। UTI से अगर आपका पैन कार्ड बना है तो सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड नंबर होना जरूरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर भी नहीं है तब भी आप कर सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टोल फ्री नंबर करके एक नंबर दिया है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टोल फ्री नंबर है। उस नंबर पे आपको कॉल करना है और आपको बोलना है कि मेरा पैन कार्ड खो गया है और मुझे अपना पैन कार्ड की नंबर चाहिए। तो वो आपसे आपका नाम, आपके फादर्स का नाम, आपका पूरा एड्रेस पूछेंगे और आपका मोबाइल नंबर पूछेंगे। ये सारा डिटेल आप उसको देंगे, जब सही सही मैच कर जाएगा तब वो आपको पैन कार्ड का नंबर आपको बता देंगे कॉल पे। तो जो टोल फ्री नंबर मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया उस पर कॉल करना है और बोलना है मेरा पैन कार्ड खो गया है, मुझे पैन कार्ड की नंबर चाहिए। वो उसको अपना डिटेल दे देना, अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना पूरा एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर देना। वो जब वो दे देंगे तो आपको पैन कार्ड नंबर मिल जाएगा। तो पैन कार्ड नंबर मिल जाने के बाद यहाँ पैन में आपको पैन कार्ड की नंबर जो मिला है वो उसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ का मंथ ईयर देंगे, इसमें आपको साल नहीं देना है, ओनली आपको मंथ और ईयर देना होगा, जो भी आपका मंथ और ईयर ये देंगे। उसके बाद GST को नंबर को खाली छोड़ दें। उसके बाद ये कैप्चर को आपको यहाँ पे इसको इस बॉक्स में इंटर करना है, जो भी आपको कैप्चर दिखेगा वो इंटर करेंगे। जब ये सब सारा चीज सही से आप फिलअप कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नहीं लिया, मैं फिर से ट्राई करता हूँ, तो ये लेगा, मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ। तो दोस्तों अगर आपका पैन कार्ड NHDL से बना हुआ है, अगर आप ये पूरा डिटेल देंगे तो आपको ये बता देगा कि आपके पैन कार्ड UTI से नहीं बना हुआ है, NHDL से बना हुआ है, ये भी आपको बता देगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपका पैन कार्ड किससे बना हुआ है। उसके लिए अपना पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ के आपको मंथ और ईयर देना होगा। उसके बाद सबमिट बटन भी क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सबमिट बटन भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है डियर एप्लीकेशन,
आज ऑन रिकॉर्ड योर लेटेस्ट एप्लीकेशन प्रोसीड थ्रू NHDL। ये कह रहा है आपका जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है वो प्रोसीड हुआ है थ्रू NHDL के द्वारा, NHDL के द्वारा हुआ है, इसलिए आप UPI के इस वेबसाइट से आप डाउनलोड नहीं कर सकते। तो उसके लिए NHDL की वेबसाइट पर जाना हो, जो मैंने आपको पहले से बता दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ओके कर देंगे। तो आपने जान गए आप कैसे पता कर पाएंगे आपका पैन कार्ड कौन सी कंपनी से बना। अब इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। इसको डाउनलोड करने के बाद करने के लिए मुझे ये सारा डिटेल देना होगा। मैं जो अभी डिटेल दिया वो हाल ही में यानी कि कल ही बना है, तो अभी इस पर अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए ये अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है। दो तीन दिन में ये भी इस पर भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कल ही जनरेट हुआ है और वो अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो इसी तरह आप डाउनलोड कर पाएंगे NHDL पैन कार्ड को और UTI पैन कार्ड को बिना कहीं जाए, घर बैठे, बिना एक रुपया खर्च किए। तो आपने सीख लिया, तो चलते हैं ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के साथ, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।